आप लोगों ने मेरा ससुराल तो देख ही लिया, और अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मेरा गांव, जहाँ मेरे बाबा मेरे पिताजी रहते थे और जहाँ मेरा जन्म हुआ था। अब मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? बाबू नहीं जाएगा मेरे साथ, बाबू नहीं जाएगा, बाबू यहीं रहेगा और बाबू की मम्मी भी यहीं रहेगी। ठंडी बहुत है बाबू, आप यहीं रहना, अच्छे से रहना, मम्मी को परेशान मत करना। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने गांव के मेन हाईवे वाले रोड पर आ चुका हूं, बहुत ही शॉर्टकट लेते हुए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉलेज है, यहां पर मेरे पापा ने और उनके पूरे भाइयों ने इसी स्कूल में पढ़ाई की थी, ज्ञानोदय इंटर हाई स्कूल। ये देखिए बाहर का कुछ इस तरह नज़ारा है, चैनल लगा है। आप लोग को बता दूं मैं कि ये घर ही मेरे लिए मंदिर है, क्योंकि इस घर में मेरे दादा दादी रहते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा ससुराल तो देख ही लिया, और अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ मेरा गांव, जहाँ मेरे बाबा मेरे पिताजी रहते थे और जहाँ मेरा जन्म हुआ था। अब मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ और वहाँ आप लोग को मैं अपना गांव दिखाऊंगा, जहाँ हम लोग मेरा जन्म हुआ था। छोटे पे मैं एक दो साल वहाँ रहा था। तो चलो चलते हैं, और आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ, और यहाँ पर ठंडी बहुत है, तो मेरे ससुर जी ने ये मुझे जैकेट दिलाया है, कल ही खरीद के दिया मुझे। यहाँ पर ये पहनने से थोड़ा गर्म हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ और बाबू नहीं जाएगा मेरे साथ। बाबू नहीं जाएगा, बाबू यहीं रहेगा और बाबू की मम्मी भी यहीं रहेगी। ठंडी बहुत है और मैं जा रहा हूँ। बाबू आप यहीं रहना, अच्छे से रहना, मम्मी को परेशान मत करना, अच्छे से रहना, ठीक है ना? मैं जल्दी आ जाऊंगा, ओके ओके कर दो ओके। तो गाड़ी लग चुकी है, ससुर जी की गाड़ी है और मेरे ससुर जी यहाँ बैठे हैं। और ये मेरा सामान है, एक दो सेट कपड़ा है, और ये छोटू सामान भेजाया था उसके भाई को उसके घर पे देने का है। और अब मैं निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? तब कैसे अच्छा लग रहा है? तो अब मैं निकल रहा हूँ, बाबू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, बाबू पीछे बैठ गया है जाने के लिए भी। ये देखिए बाय बाय, थैंक यू। उतर जाओ बेटा, आऊंगा फिर आपको लेके चलूंगा घुमाने। हमारे साथ चलेंगे। बाय कर दो, मेरे को बाय कर दो, मास्क निकालो, मास्क निकालो। नहीं नहीं जा, बाय बाय कर दो, बाय जाओ 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 जाओ, मैं ओके बोल दो, ओके ओके काट नहीं ना, सबको बुलवा देना। छोड़ो मेरे को, जल्दी छोड़ो, मैं दादा दादी जी के पास जा रहा हूँ, जल्दी छोड़ो मेरे को, मेरे को जल्दी छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, दादी जी बुला रही हैं मेरे को, दादा जी बुला रहे हैं, बाबू के दादा जी बुला रहे हैं मेरे को, मैं जा रहा हूँ, छोड़ दे छोड़ दे। बाय बाय बाय। तो अब मैं निकल रहा हूँ। तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ अपने ससुराल से अपने गांव जाने के लिए। सौ का पेट्रोल भरा लिए मैं घर से निकल गया हूँ, और बाबू बहुत जिद कर रहा था, तो कैसे कैसे उसको मनाने के बाद फिर मैं निकल गया हूँ घर से। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, सासू माँ ने मेरे पैसा दिया था 500 रुपये पेट्रोल डालने के लिए, और मैं पेट्रोल डाल चुका हूँ, अब निकल गया हूँ, अब सीधा मैं मिलता हूँ आप लोग से
मेरे गांव में, तब तक बने रहिए आप लोग मेरे इस वीडियो में। दोस्तों फाइनली मैं रुक गया हूँ एक चाय की टपरी के पास चाय पीने के लिए, पीछे देख सकते हैं मैं। और पूरा एक घंटा मैंने रनिंग किया है, एक बजे घर से निकला था, दो बज रहा है, एक बजे मैं घर से निकला था, दो बज रहे हैं, 30-40 किलोमीटर रनिंग हो चुका है और 30 किलोमीटर बाकी है। और ये देखिए गाँव का नज़ारा, तोर केटलिया जल गई बा, वीडियो बना रहे हैं क्या? क्या? यूट्यूब पे जाए। लोकली है सो। तो दोस्तों अब चाय पी के हो गया है और अब निकल रहे हैं घर पर। तो दोस्तों फाइनली चाय पीकर हो गया है और मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर के तरफ। और भैया ने चाय बहुत ही बढ़िया बनाया था, यहाँ गांव में 5 रुपये में भैया ने बहुत ही अच्छी चाय पिला दी, बहुत ही टेस्टी था। और अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने गांव अपने घर के तरफ, जो कि मेरे ससुराल से 60 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं, अब 15-20 किलोमीटर और है, फिर मैं पहुँच कर आप लोग से बात करता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने गांव के मेन हाईवे वाले रोड पर आ चुका हूँ, बहुत ही शॉर्टकट लेते हुए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉलेज है, यहाँ पर मेरे पित पापा ने और उनके पूरे भाइयों ने इसी स्कूल में पढ़ाई की थी, ज्ञानदो इंटर हाई स्कूल। अब चलते हैं गांव। ये चॉकलेट वगैरह चाचा के लड़के लोग के लिए। तो दोस्तों अब मैं अपने गांव के पास पहुंच चुका हूँ। अब ये जो देख सकते हैं आप, ये जो हरा कलर का घर है, ये मेरे बड़े पापा का घर है। पहले अपने घर से घूम के आता हूँ, फिर यहाँ पर लेके जाऊँगा आप लोगों को। ये यहाँ से लेफ्ट है मेरे गांव का घर। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने घर पहुँच गया हूँ, गांव के घर, और जॉइंट है, चाचा का भी घर है, उसी में मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए बाहर का कुछ इस तरह नज़ारा है, चैनल लगा है। और ये अंदर का नज़ारा, ये मेरा घर है, रूम है, और इधर चौकी है। और आप लोग को बता दूं, मैं चाबी लाना मैं भूल गया, इसके लिए ये देखिए ताला लगा है, उसके लिए मैं ससुर जी का गाड़ी लेके आया हूँ यहाँ तक। गाड़ी है मेरा भी, गाड़ी अंदर, लेकिन चाबी लाना मैं भूल गया, चाबी मेरा घर पे ही छूट गया, याद ही नहीं आया। और ये दादा दादी जी मेरे।
तो दोस्तों कुछ ऐसा है मेरा गांव, मेरा घर। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब ने घर के अंदर एंट्री लेते हुए पैर छूके गए, तो मैं आप लोग को बता दूं मैं कि ये घर ही मेरे लिए मंदिर है, क्योंकि इस घर में मेरे दादा दादी रहते थे और मेरे पिताजी भी यही घर में पले पड़े हैं, और मेरा जो जन्म हुआ है ये मेरी जन्मभूमि यही है, मेरा जन्म घर यही है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो इसलिए मैं जब भी आता हूँ, कभी भी आता हूँ, तो सीढ़ी पे पैर छू के ही तब अंदर मैं एंट्री लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा घर तो आप लोगों ने देखा, ये इधर से एंट्री है, हॉल है, फिर ये इधर किचन है, बेडरूम है और किचन है, बस इतना ही है। और उधर बड़े पापा का है, उधर लास्ट में चाचा का है, और उधर बैक साइड दरवाजा है, और संडास बाथरूम उधर ही है। और ये जो सीढ़ी देख रहे हैं ये मेरे चाचा ने बनवाया है ऊपर, तो मैं अब आप लोग को लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग को मैं लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ, और ये है कुछ नज़ारा इस तरह। ये देखिए ये पूरा गांव दिखता है यहाँ से, मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है, और ये है, और ये चाचा ने बनाया है ऊपर। ये है बेडरूम चाचा चाची का, ये अंदर रूम है, और इधर किचन है, और संडास बाथरूम तो नीचे ही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया मेरे गांव का घर, मेरा घर, और मेरे चाचा चाची यहीं पर हैं वो भी, और फिलहाल वो लोग हैं नहीं इधर, वो लोग गए हैं खेत में, तो उनको भी टाइम लग जाएगा आने के लिए। और आरपीएन और कविता जो है उनके तीन बच्चे हैं, एक आरपीएन और एक कविता और एक अंजलि। तो अंजलि यहाँ पर है, मैं मिलवाता हूँ वो लोग से, और अंजलि के लिए मैं कुछ लेके आया हूँ, उसको भी देता हूँ। तो मैं अब ये चाचा चाची तो है नहीं, कोई उनकी लड़की है अंजलि, और उसको देने जा रहा हूँ। ले अंजलि, लो खोल के देखो क्या है, दिखाओ निकाल के बाहर, क्या है? चॉकलेट। कैसा लगा अंजलि चॉकलेट? अच्छा, थैंक यू भैया। तो दोस्तों अंजलि को मैंने दे दिया चॉकलेट, मेरी छोटी बहन है, मेरा पैर भी नहीं छुई जब से आया हूँ, देख रहे हो? तो देखो अभी को मेरा पैर छू रही है, बस खुश रहो खुश रहो, बोलने के बाद मेरा पैर छू रही है, मुझे तो पहले पहचाना ही नहीं इसने, बाद में फिर उसने जब मुझे देखा कैमरे में बात करते हुए तो बोल रहे अनिल भैया है। तो दोस्तों फाइनली मुझे 2.5 घंटा लग गया पूरा यहाँ पहुँचते पहुँचते। मैं 2 बजे निकला था अपने ससुराल से, सॉरी 1 बजे मैं निकला था अपने ससुराल से, और 3:30 बज गए हैं घर आते आते, और 60-70 किलोमीटर मैंने रनिंग करके घर पहुँचा। और चाचा चाची है नहीं, और उनके बच्चे भी कोई है नहीं, सिर्फ अंजलि है, और वो भी गाय को चारा खिला रही है। तो अब मैं भी निकल रहा हूँ बड़े पापा के इधर, बड़े पापा का घर रास्ते में ही था, मैं आप लोग को दिखाया, लेकिन मैं उधर रुका नहीं, मैं सोचा पहले अपने घर चलता हूँ, फिर वहाँ सबसे मिल के फिर बड़े पापा घर जाऊँगा, तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो अब मैं वहीं जा रहा हूँ बड़े पापा के घर पर। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ अपने बड़े पापा के घर जाने के लिए, बाय अंजलि। बाय। टाइम मिलेगा तो फिर आऊँगा मैं, चाचा चाची से आप लोग से मिलवाऊँगा, और दोनों बच्चों से मिलवाऊँगा, अंजलि से तो आप लोग को मिलवा ही दिया हूँ। तो अब मैं निकल रहा हूँ बड़े पापा के घर जाने के लिए। तो फाइनली मैं बड़े पापा के घर पहुँच गया हूँ, और ये मेन रोड है, और ये बड़े पापा का मेरे घर है, और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं ये मेरा छोटा भाई अमित है, और ये बड़े भैया राजा राम भैया, और ये मेरी बड़ी माँ, और ये मेरे बड़े पापा का घर। बड़े पापा फ़िलहाल तो है नहीं घर पर, मेरे दादा दादी जी की भी फ़ोटो यहाँ पर भी लगी है, और अब ले चलता हूँ आप लोग को मेरे बड़े पापा के घर के अंदर, और घर के अंदर का कुछ इस तरह नज़ारा है। पढ़ा रहे हो क्या सविता?
ये मेरे बड़े पापा की छोटी लड़की है, मेरी छोटी बहन है। और अब ये अंदर का तो कुछ ऐसा, ये किचन है और ये ऊपर का टेरेस, और कुछ ऐसा घर है मेरे बड़े पापा का। सविता जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों फाइनली आपने मेरे बड़े पापा का घर देख लिया और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ अपने बड़े पापा के घर से। यहाँ से लेफ्ट है मेरे गांव का घर। ये फाटक है, पुल है और ये गांव का नज़ारा। ओ भाई साहब क्या नज़ारा है, सरसों की खेती और ये सनसेट, ऑसम। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल रहा था बड़े पापा के यहाँ से, तो चाचा मुझे खेत के पास ही मिल गए हैं। और खेत के पास ही, और वो चाचा है मेरे आ रहे हैं वहाँ से, गाड़ी से दिख रहा होगा आप लोग को, तो मैं मिलवाता हूँ लोग को आपसे। ये देखो दोस्तों मेरे चाचा आ रहे हैं। नमस्ते चाची। मुझे खेत का रास्ता मालूम नहीं था, मैं भटक गया था। तो चाचा आए हैं, अब मुझे लेके जा रहे हैं चाची के पास, फिर उनसे मिलता हूँ और फिर निकलूँगा। ओ देखो हो रही मेरी चाची, क्या कर रही है वहाँ बैठ के, गन्ना काट रही है वहाँ बैठ के। गांव का नज़ारा, खेत का गेहूँ है, ये भी गेहूँ है। हाय हाय। और ये रही चाची। ए देखो चाची मेरी गन्ना काट रही है। कल मजदूर रहेंगे। वीडियो देखते हो आप? हाँ दिखाते हैं। हाँ देखना अभी कल आएगा। तो दोस्तों चाचा चाची से भेंट मुलाकात हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, चाचा चाची जा रहे हैं अपने घर और मैं थोड़ा काम से निकला हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ उधर। तो दोस्तों फाइनली चाचा चाची को अलविदा करने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ। तो अब मैं कहाँ जा रहा हूँ ये आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताऊँगा नहीं। अब आया हूँ अपने गाँव, आया हूँ उत्तर प्रदेश, तो कहीं ना कहीं आप लोग को ज़रूर घुमाऊँगा, नए नए लोग से मिलाऊँगा, मेरे रिश्तेदारों से मिलाऊँगा। और ये व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूँगा, मेरे गांव का, मेरे जन्म स्थान का, मेरे जन्मभूमि का घर आप लोगों को दिखा दिया। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे आप लोग से नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाथ नहीं छोड़ सकता, गाड़ी चला रहा हूँ, बाय।